नमस्कार, आप देख रहे हैं जी राजस्थान और आपके साथ हूं मैं लवीना राज। चलिए अब देखेंगे देश और प्रदेश की सभी बड़ी खबरें सुपर फास्ट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का शुभारंभ करेंगे। यूपी में 1.25 करोड़ रोजगार देकर योगी सरकार रिकॉर्ड बनाएगी। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा कई मंत्री भी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आज उत्तर प्रदेश के कुछ लाभार्थियों से बातचीत भी करेंगे। इसे लेकर सिद्धार्थनगर जिले में के कोडरा गांव में तैयारियां जोरों पर हैं। सामाजिक दूरी को ध्यान में रखते हुए लोग सामान्य सुविधा केंद्रों के जरिए इस कार्यक्रम से जुड़ सकेंगे। जानकारी के मुताबिक ये देश का सबसे बड़ा रोजगार कार्यक्रम होगा। 10वीं और 12वीं सीबीएसई बोर्ड पर सुप्रीम कोर्ट में आज दोबारा सुनवाई होगी। केंद्र सरकार कोर्ट को 3 मुद्दों पर जानकारी देगी। पहली ये कि रिजल्ट कब आएगा, नया सेशन कब शुरू होगा, दूसरा ये कि इंटरनल असेसमेंट कैसे होगा और तीसरी बात ये कि राज्यों के बोर्ड एग्जाम का क्या होगा। चीन से राजीव गांधी फाउंडेशन को फंडिंग पर हुए खुलासे पर केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा है कि कांग्रेस को बताना चाहिए कि चीन ने उसे चंदा क्यों दिया। रविशंकर प्रसाद ने बताया कि 2005 से 6 में चीन के दूतावास ने राजीव गांधी फाउंडेशन को 90 लाख रुपए का दान दिया। राजीव गांधी फाउंडेशन की अध्यक्ष सोनिया गांधी है। राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर बीजेपी के आरोप पर कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि बीजेपी 1962 में, 1967 या 2005 में जीने की बजाय आज में जिए। चीन विवाद का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार आंख मूंद करके सिर्फ विपक्ष पर हमला कर रही है, सेना का मनोबल तोड़ रही है। रूस भारत को 2 से 3 महीनों में कई अहम रक्षा उपकरण की डिलीवरी कर सकता है। रूस की पुतिन सरकार से जुड़े सूत्रों के मुताबिक भारत सरकार से जैसे ही संबंधित रक्षा उपकरणों की लिस्ट मिलेगी वैसे ही रूस उनकी डिलीवरी जल्द देने की कोशिश करेगा। रूस के रक्षा सूत्रों के मुताबिक भारत ने लड़ाकू विमानों की खेप जल्द देने की मांग नहीं की है। रूस अपनी ओर से पहल कर रहा है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपने देश की संसद में आतंकी संगठन अलकायदा के प्रमुख ओसामा बिन लादेन को शहीद बता दिया। इमरान खान ने दावा किया कि आतंकवाद से लड़ाई में पाकिस्तान ने 10 साल तक दुनिया का गुस्सा झेला और अमेरिका की लड़ाई के लिए 70,000 लोग मारे जा चुके हैं। वहीं कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामलों के बीच रेलवे बोर्ड ने फैसला किया है कि 12 अगस्त तक नियमित रेलगाड़ियां बहाल नहीं होंगी। अगर किसी की 12 अगस्त तक नियमित ट्रेन में बुकिंग है तो उसे पूरा पैसा वापस मिल जाएगा। देश में अभी करीब 230 मेल और साथ ही एक्सप्रेस ट्रेनें चल रही हैं, इन्हें स्पेशल श्रेणी में रखा गया है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि न्यास की कार्यशैली में रखे पत्थरों की सफाई का काम अब तेज हो चुका है। दिल्ली की एक कंपनी को कार्यशाला में रखे पत्थरों की सफाई का कार्य सौंपा गया है। ये काम 15 विशेषज्ञों की देखरेख में हो रहा है। अभी तक मंदिर निर्माण के लिए तारीख की घोषणा नहीं की गई। बिहार में आंधी तूफान और बिजली गिरने से 91 लोगों की मौत की खबर सामने है। राज्य के 23 जिलों में बिजली गिरने से भारी नुकसान हुआ। बिहार के आपदा प्रबंधन विभाग ने बताया कि 13 लोगों की मौत गोपालगंज जिले में हुई। वज्रपात से मधुबनी नवादा जिले में भी 8 लोगों की मौत की खबर सामने है। अगले 72 घंटों में बिहार के 16 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट है। उत्तर प्रदेश में आकाशीय बिजली गिरने से अलग अलग घटनाओं में 24 लोगों की मौत हो चुकी है। देवरिया जिले में तेज बारिश और आंधी की वजह से 9 लोगों की मौत हो गई। ये सभी लोग आकाशीय बिजली का शिकार हो गए थे। वहीं प्रयागराज में बिजली गिरने से 6 लोगों की मौत हुई। राज्य सरकार ने पीड़ितों की हर संभव मदद की बात कही। बिहार और उत्तर प्रदेश में भारी बारिश और बिजली गिरने से लोगों की मौत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट किया है कि बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों में भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने से कई लोगों के निधन का दुखद समाचार मिला। राज्य सरकारें तत्परता के साथ राहत कार्यों में जुटी हैं। बिहार सरकार ने मृतकों के परिवारों के लिए 4-4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। राज्य में अगले 4 दिनों तक तेज बारिश की आशंका है। आज राज्य के 10 जिले रेड जोन में हैं, वहीं 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। सीएम नीतीश कुमार बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर चुके हैं। तेज बरसात से उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में केदार घाटी में रहने वाले लोगों की समस्या बढ़ गई है। बारिश होने से केदारनाथ हाईवे बाधित होने लगा है। राजमार्ग पर पत्थर गिरने की वजह से ये बंद हो गया और जिसे बाद में हटाया गया, लेकिन कुछ देर बाद दोबारा से पत्थर गिरने से राजमार्ग दोबारा बंद हो गया। उत्तराखंड के पहाड़ों में लगातार बरसात से हल्द्वानी के सभी नदी नाले उफान पर पहुंच गए हैं। इसके बावजूद लोग नालों को पार करने से बाज नहीं आ रहे हैं। हल्द्वानी सितारगंज रोड पर एक युवक ने मना करने के बावजूद शेर नाला को पार करने की कोशिश की, लेकिन पानी की तेज धार में फंस गया। बाइक पानी में बही, युवक बच गया।
असम के डिब्रूगढ़ में 3 दिनों से लगातार बरसात हो रही है। असम में अब तक बारिश की वजह से 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 38,000 से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। असम राज्य आपदा प्रबंधन को हाई अलर्ट पर रखा गया है। मौसम विभाग की माने तो इलाके में अभी और भी बारिश की आशंका जताई गई है। राजस्थान के पाली में रेलवे स्टेशन के पास बने अंडरब्रिज में 4 से 5 फीट तक पानी भर गया है। लोगों का कहना है कि हर साल बरसात के दिनों में यहां पानी भर जाता है और पूरा क्षेत्र 2 हिस्सों में बंट जाता है। इलाके के लोग रेलवे और नगर परिषद के बीच मुश्किल झेलने को मजबूर हैं। प्रदेश में 23 जून को मानसून ने बांसवाड़ा की टर्फ लाइन को छुआ और महज 24 घंटों में ही मानसून प्रदेश के 18 जिलों तक पहुंचा। मानसून के प्रदेश में तेजी से बढ़ने के चलते 25 जून तक मानसून प्रदेश के 27 जिलों तक पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा और अधिकारियों को यहां पर दिशा निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोरोना वायरस से संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ रही है, जो कि चिंता का विषय है। विशेषज्ञ चिकित्सकों, स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक अधिकारियों को इस स्थिति की गंभीरता का आकलन करते हुए आवश्यक कदम उठाने चाहिए। दौसा के सिकराय में महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने कोरोना महामारी को लेकर चलाए जा रहे जागरूकता अभियान के पोस्टर का विमोचन किया। मंत्री भूपेश ने कोरोना महामारी से बचाव और जागरूकता का लेकर लोगों से सजग रहने की अपील की। बाड़मेर के बालोतरा में कोरोना की बढ़ती संख्या से प्रशासन की चिंताएं लगातार बढ़ रही हैं। आज 6 कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट सामने आने से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। कल भी 17 पॉजिटिव केसेस सामने आए थे। अजमेर के ब्यावर की सांखला कॉलोनी और साथ ही शिवाजी नगर में एक ही परिवार के 7 सदस्यों को कोरोना पॉजिटिव पाए जाने और साथ ही एक बुजुर्ग महिला की मौत के बाद हरकत में आए प्रशासन ने क्षेत्र को 0 मोबिलिटी क्षेत्र घोषित किया। अलवर में पूर्व सभापति कमलेश सैनी और पार्षद अंशुल सैनी द्वारा जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अजमेर के ब्यावर में उपखंड अधिकारी जेएस संधू ने गणेशपुरा कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया और इस दौरान संधू ने सेंटर में कोरोना संक्रमण से संक्रमित होकर उपचार करवा रहे लोगों से बातचीत कर व्यवस्थाओं की जानकारी ली। राजधानी जयपुर में थड़ी ठेला लगाने वाले फुटकर व्यापारियों के लिए एक राहत की खबर सामने है। जयपुर नगर निगम ने स्ट्रीट वेंडर्स पॉलिसी अब लागू कर दी है। लंबे समय से लंबित आजीविका संरक्षण और साथ ही पथ विक्रय अधिनियम लागू होने के बाद लंबित चल रहे मामले में मंजूरी अब जारी कर दी गई है। प्रतापगढ़ में लॉकडाउन खुलने के साथ साथ अन्य बीमारियों के मरीजों के लिए चिकित्सा सेवाओं को फिर से पटरी पर लाने के प्रयास तेज हो चुके हैं। कलेक्टर अनुपमा जोरवाल ने कहा है कि चिकित्सा अधिकारी कोरोना के मैनेजमेंट के साथ ही अन्य प्रकार की चिकित्सा सेवाओं का भी ध्यान रखें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के मैं सतर्क हूं अभियान से सरकार के मंत्री और पार्टी के विधायक जुड़ रहे हैं और अपनी सेल्फी यहां पर पोस्ट कर रहे हैं। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, ममता भूपेश, गोविंद सिंह डोटासरा, लालचंद कटारिया, सुखराम बिश्नोई, राज्यसभा सांसद नीरज जांगी, विधायक सुरेश टांक, सफिया जुबेर और साथ ही CWC मेंबर रघुवीर सिंह मीणा समेत कांग्रेस संगठन के पदाधिकारियों ने पोस्ट की है सेल्फी और नागरिकों से हेल्थ प्रोटोकॉल की पालना करने की अपील की। जयपुर, जोधपुर और कोटा में 2-2 नगर निगमों के गठन के बाद हाईकोर्ट में कार्य विभाजन, अलग अलग प्रशासक और आयुक्त लगाए जाने के फैसले पर राज्य सरकार ने आदेश जारी किए। स्वायत्त शासन विभाग ने इन नवगठित नगर निगमों में स्वतंत्र प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति के संबंध में नियुक्ति आदेश जारी कर दिए। चुरू जिले के सादुलपुर तहसील मुख्यालय पर ACB ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए विकास अधिकारी वीरपाल सिंह और साथ ही ग्राम सेवक सुरेंद्र को 1,25,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो में खोड़ी ग्राम पंचायत के सरपंच कल्याण सिंह ने शिकायत की थी। ग्राम पंचायत में 25,50,000 के विकास कार्य करवाए गए हैं। कोटा के 2 थाना इलाकों में 20 से 25 बदमाशों ने 3 दुकानों में तोड़फोड़ कर दी। सभी बदमाशों के हाथों में लाठियां और बेसबॉल के बल्ले थे। बदमाश किसी सोनू भड़ाना की तलाश में आए थे। पुलिस के अधिकारियों के मुताबिक दानाबाड़ी थाना इलाके से सूचना मिली थी कि बाइक सवार 20 से 25 बदमाशों ने इलाके की 2 दुकानों में किसी सोनू भड़ाना नामक युवक के बारे में पूछताछ की और जब युवक नहीं मिला तो उन्होंने वहां रखे काउंटरों में तोड़फोड़ कर डाली। उदयपुर ACB की टीम ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए चित्तौड़गढ़ जिले के गंगरार पंचायत समिति के BDO को 50,000 रुपए की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों ट्रैप कर लिया है। गंगरार BDO रूप सिंह गुर्जर रिश्वत की राशि अपने ऑफिस में कनिष्ठ सहायक पद पर कार्यरत अनिल यादव से ले रहा था। बूंदी के पोषण वाटिका कार्यक्रम की सफलता को लेकर मुख्य कार्यकारी अधिकारी मुरलीधर प्रतिहार ने आज जिला परिषद स्थिति कक्ष में बैठक ली। आंगनबाड़ी भवनों में पढ़ाई करने वाले नौनिहाल बच्चों सहित किशोरी बालिकाओं और गर्भवती महिलाओं के संपूर्ण विकास के लिए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।
जोधपुर के कई इलाकों में सड़कें टूटने से लोग यहां पर परेशान हैं। वहीं प्रशासन ने मानसून के पहले विकास कार्य शुरू किए हैं और जिसके कारण मुख्य सड़कों पर कई बार जाम लग जाता है। वहीं ट्रैफिक डायवर्जन से भी लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बीकानेर में प्रधानमंत्री के नाम शपथ पत्र का अभियान शुरू किया गया है और जिसमें भारत चीन के बीच बिगड़े हालातों की खबरों के बीच बीकानेर में युवा एकता मंच ने यह आश्वस्त किया है कि सैनिकों के साथ युवा पूरी तरह से साथ खड़े हैं। प्रतापगढ़ में सामलगढ़ थाना पुलिस ने एक व्यक्ति को पिस्टल के साथ गिरफ्तार कर लिया है। थानाधिकारी कृष्णचंद्र बुनकर टीम के साथ गश्त कर रहे थे और गश्त के दौरान एक व्यक्ति पुलिस को देख भागने लगा, जिसे पुलिस ने पीछा कर पकड़ लिया। आरोपी को आर्म्स एक्ट में गिरफ्तार कर लिया। चूरू में राजेंद्र गढ़वाल की हत्या के मामले में एसओजी टीम को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। टीम ने 25,000 के इनामी बदमाश कपिल शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। एडीजी एटीएस एसओजी अनिल पालेवाल के निर्देश में इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। मॉनसून की दस्तक के साथ ही नागौर जिले का मौसम बदला अब नजर आ रहा है। कई जगहों पर धूल भरी आंधियों के साथ बरसात से शहर में अंधेरा छा गया। वहीं तेज हवाओं की वजह से कई स्थानों पर टीन टप्पर भी उड़ गए। प्रतापगढ़ के बसाड़ में एसडीएम को लोगों ने शिकायत दी थी कि गांव में सालों पुराना सार्वजनिक रास्ता किसी ने रोका हुआ है, जिस वजह से क्षेत्र के किसानों को काफी परेशानी हो रही है और इस शिकायत पर एसडीएम की टीम मौके पर पहुंची और रास्ता खुलवाया गया। प्रतापगढ़ में लॉकडाउन खुलने के साथ साथ अपराधों का ग्राफ भी लगातार बढ़ता जा रहा है। जिले में 1 से 15 जून के बीच 6 चोरी के मामले सामने आए हैं और इसके साथ ही 8 वाहन चोरी के मामले भी दर्ज किए गए। लॉकडाउन के कारण बंद पड़े मॉल्स का मेंटेनेंस कारोबारियों को भारी पड़ रहा है। जयपुर के पिंक स्क्वायर मॉल प्रबंधन और कारोबारियों में इस बात पर विवाद हो गया। दुकानदारों ने आज मॉल परिसर में नारेबाजी कर अपना विरोध दर्ज करवाया। जयपुर में जवाहर कला केंद्र के साप्ताहिक आर्ट टॉक्स सीरीज के तहत बिल्डिंग इंक्लूसिव सोसाइटी थ्रू पार्ट 2 पर आर्ट टॉक का आयोजन किया गया। कोटा में वारदात की फिराक में देसी कट्टा लेकर घूम रहा एक बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सीआई हर्षराज खड़ेरा ने बताया कि शहर में लगातार आर्म्स एक्ट के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। टोंक के इतिहास में पहली बार सरस डेयरी 50 लाख रुपए के मुनाफे में चल रही है। डेयरी एमडी प्रमोद चारण ने बताया कि कोविड महामारी के दौरान 2 महीने कर्फ्यूग्रस्त रहे टोंक में मोबाइल वैन शुरू कर आमजन को दूध छाछ दही और घी सहित अन्य डेयरी उत्पाद घर घर पहुंचाए गए। डूंगरपुर के सागवाड़ा में तेज रफ्तार एक बाइक सवार ने सड़क किनारे खड़े 2 युवकों को टक्कर मार दी। हादसे में अलग अलग बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 1 युवक जख्मी हो गया। लॉकडाउन के दौरान डिस्कॉम्स की बंद रही स्पॉट बिलिंग एक बार फिर से अब शुरू हो चुकी है, लेकिन लॉकडाउन के दौरान आए बिलों ने उपभोक्ताओं के होश उड़ा दिए हैं। जयपुर सहित 3 डिस्कॉम्स के कार्यालयों पर शिकायतों का अंबार यहां पर लगा हुआ है। अब इस मुद्दे को लेकर विपक्ष भी सक्रिय हो चुका है। बीजेपी ने डिस्कॉम्स के प्रमुख कार्यालयों पर प्रदर्शन कर 3 महीने के बिजली बिल माफ करने का ज्ञापन अधिकारियों को सौंपा। कोटा की देवनारायण योजना में नगर विकास न्यास के अतिक्रमण पर कार्रवाई के मामले में अब पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल के खिलाफ कोटा के अनंतपुरा थाने में मामला दर्ज करवाया गया है। कार्रवाई में बाधा डालने को लेकर न्यास की ओर से परिवाद दिया गया था, जिस पर अनंतपुरा थाने में राज्य कार्य में बाधा उत्पन्न करने और धमकाने की धाराओं में मामला दर्ज करवाया गया। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, बने रहे हमारे साथ, देखते रहे जी राजस्थान।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से रुक करते हैं सुपर फास्ट खबरों की ओर। बारा के छबड़ा में 3 महीने पहले खेतों में भीषण आग लगने से 200 बीघा फसल जलकर नष्ट हो गई थी और जिसके बाद से ही किसान फसल मुआवजा के लिए अधिकारियों के पास चक्कर काट रहे हैं और इसी को लेकर आज किसानों ने जिला कलेक्टर से मिल उन्हें जल्द फसल मुआवजे मिलने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। जवाहर कला केंद्र के ऑनलाइन लर्निंग चिल्ड्रन समर फेस्टिवल में विजुअल आर्ट सेशन के तहत शकुंतला महावर ने मांडड़ा आर्ट के गुर सिखाए और ये सेशन मांडड़ा के इतिहास कला शैली की टेक्नीशियंस पर बेस्ड रहा और इसके बाद फिगरेटिव कंपटीशन सेशन का संचालन रामचंद्र शिवाजी खटमल ने किया। कलाकार ने फिगरेटिव कॉम्पिटिशन के बेसिक्स स्केचिंग कलर कॉम्पिटिशन के बारे में जानकारी दी। बालेसर पुलिस थाना अंतर्गत आगोलाई पुलिस चौकी के कांस्टेबल गश्त के दौरान जानलेवा हमला करने के मामले में बालेसर थाना प्रभारी दीप सिंह भाटी ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर अवैध डोडा जब्त किया। मुख्य सचिव डीबी गुप्ता की अध्यक्षता में निलंबन बहाली को लेकर बैठक हुई। इस बैठक को लेकर 21 मामलों में बहाली को लेकर अनुशंसा की गई और साथ ही 12 विभागों के 27 मामलों पर चर्चा की गई। इनमें चिकित्सा, गृह और स्टेट सर्विस के अधिकारियों के मामलों पर विचार किया गया। वहीं अभी अनुशंसा सीएम स्तर पर भेजी जाएगी जहां से अनुमोदन बाद डीओपी बहाली या अन्य प्रक्रिया करेगा। कोरोना काल में आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत प्रवासियों को बांटे गए राशन के मामले में राज्य पूरे देश में नंबर 1 पर है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ध्येय वाक्य कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोए को ध्यान में रखते हुए प्रदेश में राशन वितरण की व्यवस्था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली से बेहतर रही है। जयपुर के शास्त्री नगर में साइंस एंड टेक्नोलॉजी भवन का उद्घाटन डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया और इस दौरान मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और साथ ही सचिव मुग्धा सिन्हा भी मौजूद रही। अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी विभाग के निदेशक का कार्यालय इसी भवन में होगा। अजमेर के ब्यावर में रेड आर्मी ब्लड हेल्पलाइन और साथ ही नारी शक्ति संगठन ने रक्तदान शिविर का आयोजन किया। राठौर परिवार के प्रियवर्धन सिंह राठौर के जन्मदिवस के मौके पर मेवाड़ी गेट के बाहर स्थित सिटी डिस्पेंसरी में थैलेसीमिया के ग्रसित बच्चों के लिए रक्तदान यहां पर किया गया। कीमती धातुओं में तेजी का दौर आज थमा। सोना और चांदी की कीमतों में आज गिरावट देखी गई। जयपुर सराफा कमेटी की ओर से जारी भावों के अनुसार आज 24 कैरेट सोना 290 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता रहा, वहीं 24 कैरेट सोना 49,560 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा। जोधपुर के बालेसर में विद्याधर मीना, कंवर राठौड़ और साथ ही प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य उमेश सिंह राठौड़ ने पंचायत समिति क्षेत्र का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने नरेगा कार्यों का जायजा लिया, साथ ही अधिकारियों और कर्मचारियों को राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करने का आह्वान किया। जोधपुर में पूर्व सांसद और साथ ही कांग्रेस नेता बद्रीराम जाखड़ भोपालगढ़ क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान जाखड़ ने राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे कोरोना जागरूकता अभियान के पोस्टर का विमोचन किया और लोगों से भी इस अभियान में भागीदारी निभाने की अपील की। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें जी राजस्थान। प्रस्तुतकर्ता एग्रोसेफ इंस्टेंट प्लस हैंड सैनिटाइजर।